तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो यार, आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापिस। और आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ वन प्लस 12 का BGMI टेस्ट। अब जो वन प्लस 12 सीरीज है ना पूरी, चाहे वो वन प्लस 12 हो या फिर वन प्लस 12 आर हो, उससे रिगार्डिंग काफी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन बनी हुई है भाई। क्योंकि इस बार वन प्लस ने ना भाई धोखा ही ऐसा करा है। अब हमारे पास है वन प्लस 12, इसको मैं ऑलरेडी बॉक्स बॉक्स से तो निकाल ही चुका हूँ। कुछ इस तरीके से लगता है भाई, ग्रीन कलर मैंने इसका परचेस करा है। मेन चीज क्लियर करता हूँ, ये वाला स्मार्टफोन मैंने खुद परचेस करा हुआ है एंड ये वाला ना इंडियन वेरिएंट है, बाहर से इंपोर्ट वगैरह मैंने नहीं करा है। तो बिल्कुल जो भी सारे सीन रहेगा इंडियन के हिसाब से रहेगा, है ना। ये वाला स्मार्टफोन ना 65,000 रुपीज का है और इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मेरे को बहुत ज्यादा बड़ी एक कमी लगी है, जो कि अभी आगे मैं आपको वीडियो बताऊंगा। वीडियो में बने रहना। बाकी पब्जी टेस्ट देखने के बाद अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि 4 लाख सब्सक्राइबर हमको जल्दी करवाने हैं। सिर्फ 3,000 सब्सक्राइबर की कमी रह गई है भाई, तो जल्दी सब्सक्राइब मार के 4 लाख सब्सक्राइबर करा दो। बाकी अभी बिल्कुल भी टाइम हम बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर एक स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला प्रोसेसर है, 5400 mAh की बैटरी है, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, 120 Hz का एक एमोलेड डिस्प्ले के अंदर आपको देखने मिलता है। बेस में ये वाला स्मार्टफोन 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज दे रहा है। इसका जो प्राइस है वो 65,000 रुपीज है। एंड बाकी गाइस अभी मैं दिखा देता हूँ, इस वाले स्मार्टफोन को मैंने 100% चार्ज करा हुआ है। 1 घंटे की गेमिंग के बाद चेकआउट करेंगे कितना परसेंट का बैटरी ड्रॉप करता है। और जो ब्राइटनेस है वो हम अप्रॉक्स 80% के समथिंग रखने वाले हैं टेस्ट के अंदर। ऑटो ब्राइटनेस को हमने ऑफ कर लिया है, ठीक है, 80% कर देते हैं ब्राइटनेस फिर से। इसका जो मेनली कॉम्पिटिशन है ना वो हमारे IQ 12 के साथ में है, इसके साथ भी कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी इसमें स्टॉपवॉच लगा लेते हैं और देखते हैं कितनी देर में वन प्लस 12 अपना गेम को चालू करता है। 3, 2, 1 एंड गो। भाई 21 सेकंड के अंदर इसने गेम को चालू कर दिया, जो कि काफी अच्छा टाइम है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के हिसाब से। ग्राफिक सेटिंग्स की बात करते हैं, देखो पहले 90 FPS नहीं आया था, लेकिन अपडेट के थ्रू इसमें भी देखने को मिल गया है। आगे आपको एक्सट्रीम तक देखने को मिलती है, HDR तक भी खेलोगे तो, और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा का भी सर्टिफिकेशन हमको देखने को मिलता है इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर TDM का मैच हम स्टार्ट करने वाले हैं स्मूथ प्लस 90 FPS की ग्राफिक सेटिंग्स पर रख के, और एंटी एनालाइजिंग को भी मैं क्लोज रख रहा हूँ। आगे के मैच में 2x पे रख के भी करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी वेट करना। एंड प्रो गेमर मोड को भी ऑन रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सब बैलेंस मोड पे रख रहे हैं नॉर्मल बेसिक गेम करके, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। FPS मीटर मैंने ऊपर की तरफ लगा लिया है। बाकी भाई इसके अंदर एक दिक्कत है कि हमने ना 90 FPS पे गेम को करा तो हुआ है, लेकिन भाई देखो मैंने 2 FPS मीटर लगा लिए, अपना जो नॉर्मल FPS मीटर है ये भी लगा के देखा, एंड जो फोन के अंदर इनबिल्ट वाला आता है वो भी लगा के देखा। दोनों के अंदर ही FPS जो है वो 60 ही मिल रहे हैं, तो 60 FPS से ऊपर की ये भी परफॉर्मेंस नहीं करा रहा है ये। और FPS मीटर जो हमारा है ना वो एकदम एक्यूरेट है, अगर मैं देखो दोनों FPS मीटर एक्यूरेट है। अगर मैं ग्राफिक सेटिंग्स को अल्ट्रा पे करूंगा तो दोनों FPS मीटर 40 पे आ जाएंगे। देखो अभी देखो दोनों FPS, यहाँ पे भी FPS और ये वाला FPS भी 40 FPS दे रहा है। तो भाई फ़ोन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, 90 FPS शो कर रहा है लेकिन दे नहीं रहा है। तो मैंने करा तो 90 FPS पे ही है, ना ही 90 FPS वाली स्मूथनेस आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर। बाकी देखते हैं गेम खेलने के बाद कैसा रहता है। अरे जायरोस्कोप का मैं बताना भूल गया गाइस, जायरोस्कोप वैसे प्रॉपरली एक्टिव है, इसके अंदर डिले वगैरह कोई भी नहीं है। स्पीकर्स भी लाउड है, एक नीचे की तरफ स्पीकर मिलता है एक ऊपर की तरफ है, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स अच्छी खासे लाउडनेस के साथ आते हैं। मैच तो कंप्लीट कर लिया है और जीते भी आया है भाई पहला मैच, एक टीडीएम का मैच इसके अंदर मैंने कंप्लीट कराया। और जो मेनली बड़ी जो दिक्कत थी ना, जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, वो ये दिक्कत है कि भाई 90 FPS की ग्राफिक सेटिंग्स अनलॉक दिखा रहा है, साफ साफ भाई ग्राफिक सेटिंग्स में 90 FPS का ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन भाई जो स्मार्टफोन है वो 90 FPS दे ही नहीं रहा है। स्मार्टफोन सिर्फ 60 FPS दे रहा है, और ऐसा नहीं कि वो मेरे FPS मीटर की कमी है, मैंने आपको मल्टीपल FPS मीटर भी लगा के दिखाया, 2 FPS मीटर मैंने लगाए थे एक्चुअली में, तो दोनों में ही आपको 60 FPS देखने को मिल रहा था। और बाकी मैंने FPS वगैरह कम करके भी दिखाया, लाइक 40 FPS मैंने करा था तो 40
40 FPS दे रहा था, FPS में दिख भी रहा था, तो FPS मीटर की कोई भी दिक्कत नहीं है। जो स्मार्टफोन है वो एक्चुअली में 60 FPS ही दे रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करूं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी मैक्स 60 FPS तक की स्क्रीन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आपको अवेलेबल देखने को मिलता है। 90 FPS कहीं पे भी नहीं है, ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना गेमिंग के अंदर। तो भाई इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, 60 FPS वाली ही परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं एंगल के मैच में, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। वैसे मैंने तो ग्राफिक्स सेटिंग्स अपनी तरफ से 90 FPS ही करी हुई है, लेकिन ये दे 60 रहा है, देखते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगी। जम करते हैं, बाकी अपन चेक करते हैं। ड्रॉप तो अभी भी देखने को मिला हमको 10-15 FPS वाला, लाइक होता ही है जम करते हुए तो। ठीक है, प्रिजन है यार, नीचे प्रिजन को दाओ ना। कैसे बन में यार ये, कहाँ था ये बता दो मेरे को ऊपर। अब एक ही रैंगल का मैच भी मैं कंप्लीट करके आ चुका हूँ। जंप करते हुए आपने ड्रॉप्स देखे होंगे, 10 FPS तक तो इजीली ड्रॉप करता है जंप में, लेकिन नीचे की जो फाइट है वहाँ पे 55-54 FPS आपको 5-6 FPS वाले ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं माइनर से। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं एडजेंट थ्री। 60 FPS पे भी ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है, 60 FPS भी बिल्कुल एकदम मेंटेन करके नहीं चला पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैच फिर से एक बार हम रैंगल का करेंगे। अभी तक मैंने एंटी अलियासिंग को क्लोज रखा हुआ था, अभी एंटी अलियासिंग को मैं 2x पे रख रहा हूँ। साथ ही साथ इसका जो प्रो गेमर मोड है उसको भी ऑन कर रहे हैं, और अब देखते हैं रैंगल में कैसी परफॉर्मेंस देगा। और हाँ भाई, इस बार मैंने ग्राफिक सेटिंग्स एक्चुअली में 60 FPS पे कर दी है। चलो जंप करते हैं, देखते हैं। 43 FPS तक आया एंड देन 55 हो गया। अभी मैंने ना इसका प्रो गेमर मोड ऑन करा हुआ है। भाग जाएगा तू, भाई गोलियां तो चली यार। क्या पड़े उसको, नहीं भाग दे दिया, मुझे भी नहीं भाग दे दिया। अगर ये नॉक नहीं होता ना, खूब कुटाई करता मेरी DBS से। भाई कैसे तक रहा है,
सालों तीन ओवर गए, ये मैच भी कंप्लीट करके आ चुके हैं। लाइक 60 एफपीएस वाली परफॉर्मेंस ठीक है, बट यार इतनी परफॉर्मेंस तो आपको 20-30 हज़ार वाले स्मार्टफोन भी दे देता है 60 एफपीएस की। तो एक बार देखते हैं टेम्परेचर का मैक्स कितना पहुंच गया अपने डैश के बाद। 34.5 तक चल रहा है फ्रंट से, बैक से 33 के समथिंग चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं हुआ है। बाकी अपने डैश को हम ना अभी 55 मिनट का ही रख रहे हैं, यहाँ पे हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर लेते हैं एंड फेंक देते हैं कोने में। होम स्क्रीन के ऊपर आ गए, बैटरी की बात करते हो देखो 92% बैटरी अभी भी इस वाले स्मार्टफोन के अंदर बची हुई है। सिर्फ 8% का ड्रॉप हुआ है 55 मिनट की गेमिंग के बाद। लास्ट वाला एंगल का मैच भी हम कंप्लीट करके आए हैं देखो, और प्रो गेमर मोड ऑन कर लो या फिर 2x एंटीलाइजिंग ऑन करो, कुछ भी करने के बाद भाई जो FPS है उसमें ड्रॉप आपको डेफिनेटली देखने को मिल ही रहा है। लाइक यहाँ पे भी 15 FPS 20 FPS वाला ड्रॉप इजिली नोटिस हो रहे हैं। अब भाई हम जो अपने स्मार्टफोन को जज करते हैं वो पूरी परफॉर्मेंस और साथ ही साथ प्राइस को मद्देनजर रखते हुए करते हैं, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन 65,000 रुपए का है और साथ ही साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है 65,000 वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये वाला स्मार्टफोन मेरी तरफ से आपको बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है अभी फिलहाल, तो क्योंकि भाई 60 FPS ही दे रहा है, 90 FPS नहीं दे रहा है। बाकी इन फ्यूचर अगर ये 90 FPS दे देगा और अपडेट वगैरह के थ्रू इसको फिक्स करा जाता है तो उसके बाद मैं आपको वीडियो जरूर से दे दूंगा कंफर्म करने के लिए कि अभी ये वाला स्मार्टफोन ले लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, 90 FPS के बाद कैसी परफॉर्मेंस है। तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा जैसे भी इसको फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन अभी इसके अंदर बग है तो एकदम से मत लेना स्मार्टफोन को, थोड़ा सा वेट करो अभी। लेकिन हाँ भाई, अगर आप पूरे स्मार्टफोन को ओवरऑल देखोगे तो वैसे काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी भाई 5400 mAh की बैटरी अपने टेस्ट के अंदर, इसने सिर्फ 8% का ड्रॉप करा 55 मिनट की गेमिंग के बाद। तो बैटरी मैंने इसकी बहुत ज्यादा डीप में टेस्ट करी हुई है, बहुत ज्यादा तगड़ी बैटरी लाइफ है भाई। और एक्चुअली मैं यूट्यूब वगैरह चला रहा था ना तो बैटरी खत्म नहीं हो रही थी 5400 mAh की बैटरी। तो बैटरी से रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिस्प्ले अच्छा है, कैमराज भी तगड़े वाले देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर, कैमराज में भी थोड़े बहुत बग्स वगैरह है। बाकी यार अभी तो फिलहाल मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है स्मार्टफोन, आप इसको स्किप कर सकते हो और IQ12 को देख सकते हो अगर आपको इनिशियली कोई स्मार्टफोन लेना है। मतलब अभी आपको ऐसे चुल हुई हुई है कि भाई अभी मेरे को जाना है और कल स्मार्टफोन लेके आ जाना है, तो इससे कम प्राइस रेंज में IQ12 मेरी तरफ से ज्यादा रिकमेंडेड है, उसके साथ आप जरूर से जाना। बाकी थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो OnePlus 12 के लिए वेट करो, और OnePlus 12 आर का वीडियो भी जल्दी लेके आ रहा हूँ भाई, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करो, बोला सब्सक्राइबर भी तो कराने है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। बाकी यार मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।